देसी एग्रो में आपका स्वागत है। सामने आप देख सकते हैं सोना वीट थ्रेसर, इसका मैंने रिव्यू किया है, मेरे पास भी था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। ये 2022 का मॉडल है, आप देख सकते हैं। ये हम आए हुए हैं आजमगढ़, जहाँ पे प्रभा ट्रैक्टर्स एजेंसी है, उनके थ्रू ये फ़िलहाल मिलेगा आपको ज़िले में, और बाहर कहीं नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको लेना हो तो वहाँ जा सकते हैं। मैं सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई प्रमोशनल वीडियो टाइप का नहीं है। ये मैंने यूज़ किया है, मुझे लगा ये अच्छा है, इसलिए मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो फिलहाल ये नया वाला थ्रेसर यहाँ आ चुका है, देख सकते हैं आप, वी टाइप ब्लेड्स लगे हुए हैं इसमें। पहले फार्मर के आते थे, अब इसके ब्लेड्स शायद किसी और कंपनी यूज़ कर रही है, या शायद फार्मर के ही हैं, बस डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया है। ये काफ़ी सफल मशीन रही, हमने इसको यूज़ किया है। तो देख सकते हैं आप, ये मॉडल 3330 का है। अगर आपकी गाड़ी 50 प्लस HP कैटेगरी में आती है तो ये सबसे बेहतरीन है, मतलब अंडर 50 या 50 इस कैटेगरी की कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो वो बेस्ट है, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, मैटर नहीं करता। ये मशीन बहुत सफल रही है, इसको हमने यूज़ किया है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ब्लोअर है, देख सकते हैं, अभी इसके चक्के उक्के नहीं लगे हैं, जब आप इसको लेंगे तो ये पूरा सेटअप हो जाएगा। इसकी जाली वगैरह देख सकते हैं आप, इसकी मैंने डिटेल वीडियो एक अपलोड की है, जो मेरे खुद का था उसको मैंने किया था, वो पुराना मॉडल था, ये नया मॉडल है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों का। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिए, सबसे अच्छी चीज़, जो इसकी पुल्ली है नीचे वाली वो बड़ी होगी और ऊपर वाली छोटी, वो हर सोना कंपनी के थ्रेसर में होता है। और इसमें जो फ्लाईव्हील्स लगी हुई हैं, जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक फ्लाईव्हील यहाँ लगी हुई है और एक फ्लाईव्हील यहाँ लगी हुई है, यहाँ पर इसमें दो फ्लाईव्हील लगी हुई हैं, और ये बेस्ट है, अंडर लोड चलती है, कभी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता इस किसी भी ट्रैक्टर पे। ये साइड सेक्शन आप देख सकते हैं, आपको विशेष जो ध्यान देना है वो आपकी ये जो बैरिंग्स हैं, लेते समय आप इसका ज़रूर ध्यान दें कि ये बैरिंग्स आपकी गड़बड़ ना हो, वहाँ पे जहाँ पे भी आप लें उसको एक बार चलवा के आप ज़रूर चेक कर लें ये वाले बैरिंग्स और यहाँ वाली, ये दोनों प्राइमरी बैरिंग्स हैं इसकी, इसका विशेष ध्यान दे दें। और इसकी जाली जो अंदर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी जालियां जरूर देख लें आप। और एडजस्टमेंट करने वाला जो सेटअप होता है वो एक बार जब आप ले रहे हो तो उसी समय उनसे बात कर लें कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भाई, अगर भूसा मान लीजिए बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है तो उसको सेट करने के लिए कैसे सेट करना होगा, तो वो आपको बताएंगे। जो पुरानी वाली मशीन जो हमारी वाली थी उसमें देखिए यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ था भूसा छोटा बड़ा करने के लिए, यहाँ पर अंदर की तरफ कर दिया है, देख सकते हैं आप, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अंदर कर दिया है, ये प्लेट ऐड कर दिया गया है इसमें, जो अलग से इन्होंने लगा दिया है अपना, जो इनका कंपनी है मतलब जो इनका एजेंसी उसका नाम करके स्टिकर वगैरह, तो ये अलग से प्लेट यहाँ पे ऐड करवा दिया है। तो ये मशीन ले सकते हैं आप, अंडर 50 HP कैटेगरी का कोई भी ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं और आराम से अंडर प्रेशर होगा, अंडर लोड होगा और बढ़िया चलेगा। यहाँ पर इसके काफ़ी यूनिट्स पड़ी हुई हैं, मैं इनके एजेंसी पर ही आया हूँ, तो अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सफल मशीन रही है, इसको मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सोना का आप थ्रेसर देख रहे हैं 3330, अप्रॉक्स इसका प्राइस 130 प्लस होगा। आप विज़िट कर सकते हैं एजेंसी पे, अपने हिसाब से आप वहाँ डील कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 130 प्लस ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं फ़िलहाल, तो इन्हीं के पास है ये। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।